नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। इधर इंटरनेट पर पॉर्न वीडियो सर्च किए गए, उधर पुलिस ने ताबड़तोड़ नोटिस भेज डाले। नोटिस की जद में आने वाले एक या दो नहीं बल्कि पूरे 1000 इंटरनेट यूजर हैं, और उनको जो नोटिस भेजे गए हैं वो भी 1000 या 2000 रुपए के नहीं बल्कि पूरे 40 लाख रुपए के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिस किस कानून के तहत और कैसे भेजे गए, तो जवाब थोड़ा चकराने वाला है, क्योंकि यहाँ पॉर्न देखने वाले यूजर तो असली हैं, लेकिन नोटिस भेजने वाली पुलिस नकली है। आप पॉर्न देखते हैं, ये अपराध है, इसीलिए आपको 3000 रुपए जुर्माना देना होगा। कुछ इसी तरह का नोटिस दिखाकर 1000 से ज्यादा इंटरनेट यूजर को करीब 40 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को पॉर्न वीडियो देखने के नाम पर फर्जी तरीके से धमकाते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर ये नोटिस पुलिस के नाम पर भेजे जाते थे। ये लोग इंटरनेट पर पॉर्न वीडियो सर्च करते, उन्हें एक फर्जी नोटिस भेजकर उनसे 3000 रुपए का जुर्माना भरने को कहा जाता। दिल्ली पुलिस को ऐसे कई अकाउंट्स के बारे में पता चला है जो इस लूट और फर्जीवाड़े में शामिल हैं। इन अकाउंट्स के जरिए करीब 30 से 40 लाख रुपए का लेन देन किया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को अभी तक किसी भी पीड़ित की शिकायत नहीं मिली है। जो यूजर लूट भी गए हैं, वे शर्म के कारण पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा पाए। साइबर सेल के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए हुआ। जो भी यूजर पॉर्न देखने के लिए ब्राउजर पर अडल्ट वीडियो सर्च करते, तो उनकी स्क्रीन पर पुलिस का एक फर्जी पॉपअप आ जाता। इस नोटिस में लिखा होता है, आप पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, यह अपराध है, इसीलिए आपका कंप्यूटर ब्लॉक कर दिया गया है। 3000 रुपए जुर्माना भरने के बाद ही कंप्यूटर को अनब्लॉक किया जाएगा। आप किसी भी सुविधाजनक माध्यम से जुर्माना भर सकते हैं। फर्जी नोटिस में ये भी लिखा रहता है कि जुर्माना न चुकाने पर कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस यूजर को गिरफ्तार करने आएगी, साथ ही यूजर के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाएगा। इंटरनेट यूजर्स को जब आरोपियों की तरफ से ऐसा नोटिस मिलता तो वो डर जाते और डर के मारे चुपचाप जुर्माना भर देते। मामला पॉर्न वीडियो देखने से जुड़ा था, इसीलिए कोई भी पीड़ित इस बात की शिकायत पुलिस में नहीं कर सका। दरअसल भारत में पर्सनल स्पेस पर पोर्नोग्राफी देखने पर बैन नहीं है, लेकिन पॉर्न फिल्म बनाना, उसे सार्वजनिक तौर पर दिखाना, शेयर करना और रिलीज करना अपराध माना गया है। अगर पॉर्न का कंटेंट रेप या शारीरिक शोषण या नाबालिग से जुड़ा है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। साइबर सेल ने बताया कि अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है। आरोपी इतने शातिर तरीके से इंटरनेट यूजर को नोटिस भेजते थे कि लोग इनके झांसे में आ जाते थे। फर्जी नोटिस में यूजर को 6 घंटे के अंदर जुर्माना चुकाने के लिए कहा जाता था। पैसे ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग विकल्प दिए जाते, इसमें इंटरनेट बैंकिंग से लेकर स्कैन एंड पे तक का ऑप्शन दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का पता सोशल मीडिया के जरिए लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 चेन्नई के रहने वाले हैं। इनके नाम हैं गोब्रियल जेम्स, राम सेल्वन और धनुष नाथ। पुलिस ने बताया कि गोब्रियल जेम्स और राम सेल्वन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है, वहीं धनुष नाथ को तिरुचिरापल्ली से पकड़ा गया। इस मामले में धनुष नाथ के भाई का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि धनुष नाथ का भाई विदेश में रहता है और वहीं से बैठकर आरोपियों को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। वो इस समय कंबोडिया में है और इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है, जबकि धनुष नाथ लोकल मास्टरमाइंड है। दिल्ली में पिछले कुछ समय से लगातार साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी पश्चिमी दिल्ली जिले के साइबर सेल की टीम ने एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग अमेरिका और कनाडा के नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने में लगा था। पूरा गैंग इंटरनेट पर फर्जी पॉपअप्स भेजकर लोगों को उनके सिस्टम में टेक्निकल खराबी आने का मैसेज भेजते थे, बदले में उनसे पैसा लूट लिया जाता था। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।